सर्दियों में वेट लॉस करने के साथ आसान उपाय, कंट्रोल में रहेगी कमर की चर्बी। नमस्कार दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी है और इन दिनों में जमकर गरिष्ठ भोजन खा रहे होंगे। कई लोग तो इन दिनों में स्टफिंग पराठे भी खाते हैं, जिनके चलते वजन जल्दी बढ़ता है। चूंकि सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, इसलिए वजन तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में आप चाहे तो कुछ आसान नियम और उपाय अपनाकर अपने वजन पर न केवल कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि बढ़े हुए वजन को भी कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वेट लॉस करने के कुछ आसान उपाय के बारे में। पहला है दोस्तों, नींबू और गर्म पानी। दोस्तों सुबह उठने के तुरंत बाद हल्के गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से वजन कंट्रोल में रहता है और शरीर की गंदगी भी बाहर निकल जाती है। आप चाहे तो इसमें शहद भी मिलाकर पी सकते हैं। कंट्रोल वाला नाश्ता करना। दोस्तों सुबह के नाश्ते में रोज रोज पराठे मक्खन खाने की बजाय पोहा इडली का सेवन करें। रवा से तैयार इडली के सेवन से आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। ग्रीन टी। दोस्तों नाश्ता अगर हैवी कर लिया है तो उसका असर कम करने के लिए आप नाश्ते के बाद ग्रीन टी लीजिए। सुबह के समय दूध वाली चाय को अवॉइड कर सकते हैं तो इससे बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सलाद। दोपहर के भोजन में सलाद को मुख्य रूप से शामिल करें। इस समय हरी सब्जियां आ गई है, गाजर और मूली का सलाद आपका पेट भी भर देगा और शरीर को इससे फायदे भी मिलेंगे। भीगे हुए बादाम। दोस्तों दिन भर की चटर मटर भूख को नियंत्रित करने का सबसे शानदार तरीका है बादाम। बादाम के सेवन से आपके शरीर को सभी तरह के विटामिन भी मिलेंगे और शरीर का वजन भी कंट्रोल रहेगा। सौंफ और मिश्री। दोस्तों रात के खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करें, इससे आपका खाना तेजी से पचेगा। रात को खाने के बाद पेट में होने वाला भारीपन भी कम हो जाएगा और भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट चर्बी के रूप में भी नहीं जमेगा। जॉगिंग जरूर करें। दोस्तों सर्दियां भले ही रजाई से बाहर निकलने से रोकती हो, लेकिन आपको इस दौरान जॉगिंग और वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। सर्दियों में वॉकिंग के जरिए ही आप अपने एक्स्ट्रा फैट को बाय बाय कर सकते हैं, इसलिए तेज कदमों से आधा घंटा सुबह शाम जरूर वॉक करें। तो दोस्तों ये थे सर्दियों में वजन कम करने के उपाय। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।